आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझते हैं अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्राइंगल तक ही सीमित देखा था इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए देखा किंतु क्या हमें यह ध्यान दिया कि साइन जीरो डिग्री साइन पाई बाय टू कॉस जीरो डिग्री तथा कॉस थ्री पाई टू को राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके फाइंड कर सकते हैं तो इसके लिए मेरा आंसर है कि हम साइन जीरो डिग्री साइन पाई बाय टू कॉस जीरो डिग्री की वैल्यूज इस अप्रोच से इजीली नहीं फाइंड कर सकते एंड कॉस थ्री पाई टू की वैल्यू इस अप्रोच से फाइंड ही नहीं कर सकते इन्हीं फैक्ट्स को माइंड में रखते हुए अब हम यूनिट सर्कल अप्रोच देखेंगे और यहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रीट करेंगे आइए अब हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिस पर एक पॉइंट ए बी कंसीडर करते हैं जो कि लाइन ओ एक्स से एक्स आर्क लेंथ की दूरी पर स्थित है इस प्रकार हमें ट्राइंगल ओ एम प्राप्त होता है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि एंगल ओ एम इज इक्वल टू एक्स ओ एम इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन तथा पी एम इज इक्वल टू बी है चूंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जानते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू पी एम बाईपी दिस इक्वल टू बी अपॉन वन दिस इक्वल टू बी यहां बी पॉइंट पी का सेकेंड कोऑर्डिनेट है इसी प्रकार राइट एंगल ट्राइंगल POM एम के लिए कॉस एक्स इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओपी दिस इक्वल टू ए अपॉन वन विल फर्दर इक्वल टू ए यहां ए पॉइंट पी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आइए अब हम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम पॉइंट पी दट इज एट हैज अ कोऑर्डिनेट वन कॉमा जीरो को कंसीडर करते हैं जो कि पॉइंट पी के ओ एक्स को अप्रोच करने पर प्राप्त होता है इस केस में एंगल विल बी जीरो डिग्री मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो डिग्री चूंकि पॉइंट ए का फर्स्ट कॉर्डिनेट वन है इसीलिए कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन तथा सेकेंड कॉर्डिनेट जीरो है इसीलिए साइंस जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो अब हम पॉइंट बी को देखें तो यह पॉइंट पी के ओ वाई की तरफ अप्रोच करने पर प्राप्त होता है अतः इस केस में एक्स विल बी नाइन्टी डिग्री और पाई बाई टू चूंकि पॉइंट बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो है कॉस पाए बाय टू इज इक्वल टू जीरो तथा बी का सेकेंड कोऑर्डिनेट वन है इसीलिए साइन पा टू इज इक्वल टू वन इसी प्रकार अब पॉइंट सी डेट हैज़ ए कोऑर्डिनेट माइनस वन कॉमा जीरो को देखें तो इस केस में एंगल एक्स विल बी पाई और वन एटी डिग्री एंड कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन साइन पाई इज इक्वल टू जीरो अब हम पॉइंट डी डेट अ कोऑर्डिनेट जीरो माइनस वन को देखे तो इस केस में एंगल एक्स विल बी टू सेवेंटी डिग्री और इसी प्रकार यदि हम पुनः पॉइंट ए की बात करें तो यह रे ओ ए को टू पाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करने पर प्राप्त होती है अतः इस केस में एंगल एक्स विल बी टू पाई एंड कॉस टू पाई इज इक्वल टू वन एंड साइन टू पाई इज इक्वल टू जीरो इस प्रकार कॉस और साइन की वैल्यूज जीरो डिग्री तथा टू पाई पर सेम है इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि साइन टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस टू पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स यदि हम इसे जनरलाइज वे में कहें तो साइन टू एन पाई प्लस एक्स विल बीवल टू साइन एक्स एंड प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो इस प्रकार है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थ्री पावर टू प्लस कॉस थ्री पाई पावर टू सोल्यूशन देखा जाए तो हमें पहले से पता है कि साइन थ्री पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन एंड कॉस थ्री पाई बाय टू इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय टू प्लस कॉस थ्री पाई बाय टू दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो दिस विल गिव गिवन